हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। तो आज हम देखेंगे क्लास 8 जो है आपकी, उसका चैप्टर नंबर 4 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके एमसीक्यूज देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन। एंड आपको बता दूं कि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, यानी कि इस चैप्टर की कि किस तरीके का चैप्टर है, क्या क्या मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, नॉन मेटल्स की किस तरीके से रिएक्शन होता है इन सभी का, उस सभी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने एक अलग से वीडियो बनाकर कराया है, अभी थोड़ी देर पहले डाली थी। तो फटाफट से जाके उसे चेक करो, क्योंकि अगर वो नहीं आएगी तो एमसीक्यूज करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, काफ़ी कम ही टाइम की, आई थिंक 17 मिनट्स की है। एंड वन शॉर्ट वीडियो में आपका चैप्टर जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम देखेंगे एमसीक्यूज क्या है भाई हमारे एमसीक्यूज। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो मेटल नहीं है। सिंपल सी बात है, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा नॉन मेटल है, क्योंकि हमें यही बताना है ना कि नॉन मेटल कौन सा है। तो कौन सा होगा नॉन मेटल, होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर जो है वो एक नॉन मेटल है। बाकी कॉपर, आयरन एंड एलुमिनियम जो है वो एक मेटल होते हैं। फिर आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्या है, द सब्सटेंस दैट विल be flattened on beating with a hammer is। अब हमें यहाँ पे बोला है कि वो सब्सटेंस जो कि क्या होगा, उसको अगर हम बीट करेंगे हैमर से, यानी कि उसको जब हम मारेंगे तो वो फ्लैट हो जाएगा, यानी कि पतला हो जाएगा, फ्लैट बिल्कुल जो होता है, ठीक है। तो वो कौन सा होगा, वो होगा जिंक ग्रैन्यूल, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन है, बूझो हैज लर्नड, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, बूझो हैज़ लर्न दैट नॉन मेटल्स ऑन बीटिंग विद अ हैमर आर जनरली ब्रोकन इन टू पीसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन मेटल। अब हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो बूझो है उसने ये चीज़ पढ़ी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको मारने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो आसानी से क्या है, वो टूट जाते हैं, ठीक है, आसानी से वो टूट जाते हैं। जैसे कि अगर हम उसको पकड़ कर ऐसे तोड़ेंगे हाथों से ही तो वो टूट जाएंगे। तो अब हमें बताना है कि इनमें से वो वाला नॉन मेटल कौन सा है। देखो सिंपल सी बात है, आयरन नेल, एलुमिनियम वायर एंड कॉपर प्लेट जो है, तीनों ये क्या है, ये मेटल्स हैं। तो ये तो नहीं होगा आंसर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, पीस ऑफ कोल। अब जो कोयला है अगर हम उसको तोड़ेंगे, कभी आपने लेकर देखा हो, बहुत ही आसानी से टूट जाता है, बहुत ही आसानी से, उस पर कोई नाइफ वगैरह लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, हाथों से तोड़ेंगे तभी भी टूट जाता है। तो यही होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है, क्या है, मटेरियल्स विच कैन बी ड्रोन इन टू वायर्स आर कॉल्ड डक्टाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डक्टाइल मटेरियल। अब हमें यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सा जो है डक्टाइल मटेरियल नहीं है, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल कौन सा इसमें से नहीं होगा, फटाफट से देखकर बताओ। फर्स्ट ऑप्शन है सिल्वर, सेकेंड है कॉपर, थर्ड है सल्फर एंड फिर है एल्यूमिनियम। तो देखो सल्फर जो है नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बिकॉज सल्फर इज़ अ नॉन मेटल एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में नॉन डक्टाइल होता है, नॉन डक्टाइलिटी होती है, ना कि डक्टाइलिटी, ठीक है। डक्टाइलिटी जो है वो ओनली मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन आता है, मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स जो है वो ज़्यादातर हार्ड पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज अ एन एक्सपेंशन एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। अब हमें यहाँ पे बताया है कि इनमें से देखकर बताओ कि कौन सा जो मेटल है वो आसानी से हम नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं, यानी कि चाकू की हेल्प से आसानी से उसको काट सकते हैं। तो वैसे तो ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, उनको नाइफ से काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ एक दो होते हैं जो कि क्या है, सॉफ्ट होते हैं, जिनको हम आसानी से नाइफ से काट सकते हैं। तो वो कौन से है, फर्स्ट ऑप्शन है आयरन, सेकेंड है सोडियम, थर्ड है गोल्ड एंड फोर्थ है मैग्नीशियम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सोडियम, बिकॉज सोडियम जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है एंड हम उसको नाइफ से काटते हैं तो वो बहुत आसानी से कट जाता है, ठीक है। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन है, मेटल्स आर जनरली सॉलिड, जो मेटल्स हैं वो जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। वैसे तो उनकी जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में पा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा गया कि वो सॉलिड में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज इन दी लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब हमें यहाँ पे बोला है कि लेकिन ये बताओ कि जो मेटल्स है कौन सा मेटल इनमें से होगा जो कि रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है। तो वो होगा मर्क्यूरी, क्योंकि हमें पता है जो मर्क्यूरी है वो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है। वैसे ज़्यादातर जो जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड सोडियम, जो ये सारे सॉलिड फॉर्म में हैं एंड मर्क्यूरी आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है, कलर चेंज कर रही हूँ मैं, वन सेकेंड,
मेटल्स जनरली रिएक्ट विद डक्टाइल एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. जैसा कि हमें पता है कि जो मेटल्स हैं जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं. उसके बाद फिर उन्होंने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डक्टाइल हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब हमें यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से देखकर बताओ कौन सा मेटल जो है वो क्या करेगा, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये हमें बताना है. तो फटाफट से देखकर बताओ आंसर. ओके, सो आई होप आपने बताया होगा इसका करेक्ट आंसर. ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कॉपर, जो कि क्या है, एक मेटल है एंड वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है. दूसरा भी एक मेटल होता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो कौन सा होता है, वो होता है मर्क्यूरी. ठीक है, फर्स्ट कॉपर, सेकंड मर्क्यूरी, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसके साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करता है. ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस प्रोनाउंस कर दिया था, यहाँ पे डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट एसिड. ठीक है, आई थिंक मैंने कुछ गलत बोल दिया था, आई थिंक गलती से मिस प्रोनाउंस हो गया था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया था, किसी से भी हो सकती है वही गलती. तो उसके बाद है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद कोल्ड वाटर वाइगोरसली. अब हमें यहाँ पे बोला गया कि इनमें से देखकर बताओ कि कौन सा जो है वो बहुत जल्दी से किसके साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो वो करता है हमारा सोडियम. इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है. सोडियम जो है उसको हम कैरोसिन ऑयल में कैप्ट करके रखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में. ऐसे ही जो सोडियम है उसे हम कैरोसिन ऑयल में कैप्ट करके क्यों रखते हैं, क्योंकि एक तो वो अगर एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो आग लगा देगा, दूसरी चीज़ वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है तभी बहुत जल्दी वो है रिएक्ट करता है. ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल रिएक्ट विद कैचेस फायर ऑन एक्सपोर्ट टू एयर. अब हमें यहाँ पे बोला गया कि कौन सा जो है वो एक नॉन मेटल है जो कि अगर वो बाहर रखा जाएगा यानी कि वो कॉन्टैक्ट में आता है एयर के, तो वो क्या कर देगा, वो कर देगा आग लगा देगा. ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, फोस्फोरस. जो फोस्फोरस है वो एक नॉन मेटल है एंड वो अगर एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो क्या करेगा, जल्दी से फायर को कैच कर लेगा. एंड ऐसे ही मैंने बताया था कि जो सोडियम है वो भी आसानी से जो है आग जो है वो लगा देता है, लेकिन सोडियम क्या है, सोडियम एक मेटल है. ठीक है, सोडियम एक मेटल है, फोस्फोरस एक क्या है, नॉन मेटल है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है. नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉपर टू बी यूज एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर वायर्स. ठीक है, जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए हम वायर्स यूज़ करते हैं उनमें से ये बताओ कि ये जो चार ऑप्शन हैं इनमें देखकर बताओ कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है कॉपर की उसे देखकर हम इनको यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, तो एक तो देखो यहाँ पे बोला गया है डक्टिलिटी, सेकंड है कलर, थर्ड है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फोर्थ है इट इज़ सॉलिड. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हमें पूछा गया था कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कॉपर को यूज़ करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो हम वायर्स बनाते हैं उनमें. तो कलर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका कलर कैसा है कैसा नहीं, हमें उसकी कुछ मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो देखनी पड़ती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज़ होता है. तो आई थिंक आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आई थिंक रही होगी. तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा. ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को एंड साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दीजिए प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे. एंड SOSC के जो स्टूडेंट्स हैं वो फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और इंस्टाग्राम ID जो है हमारी यूनिक क्लासेस के नाम से है, तो इसे भी जाके एक बार ज्वाइन कर लीजिए. एंड हमारे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.